ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। बाबा ने कहा, जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की जो परेशानियां आती हैं, उनका एकमात्र कारण है अपनी शान से परे हो जाना। अगर तुम अपनी शान में स्थित हो जाओ तो कभी परेशान नहीं हो सकते। फिर बाबा ने पूछा, अपनी शान को जानते हो ना? तुम कौन हो जरा विचार करो, कितनी ऊंची शान वाली आत्माएं हो। अगर अपनी शान सदैव याद रखो तो तुम्हारे कर्म भी शानदार होंगे और तुम परेशान भी नहीं होंगे। इसके अलावा जितना तुम शान में रहेंगे उतना मान भी मिलता रहेगा, इसलिए कहा जाता है मान शान। फिर बाबा ने कहा, भले कोई भी बुराई हो उसको समाप्त करने के लिए तुम बाप की बड़ाई करो। सिर्फ एक ही शब्द का तो फर्क है और अंतर देखो कितना हो जाता, बुराई और बड़ाई। तो सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, यही तुम्हारी पढ़ाई का सार है। देखिए कैसे एक महाकवि की भांति प्यारे बाबा ने एक एक शब्द को पिरोया हुआ है, आपस में मिलाया हुआ है। इसी कड़ी में लास्ट में बाबा ने कहा, माया से लड़ते लड़ते तुम थक गए हो, जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से बचे रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।